पीटीआई चेयरमैन के ताकत इक़्तदार के लिए न हटाया हो। असा के आवाम ए मुल्क की तरक्की की जरूरत हुई। 15 साल का ऐसा तो इन कम कर नो अचे। अफगान भाईर वापस वन तो वेचारा छाते वन इन उत है। पाकिस्तान के ठाया भी सिंध हु बचाया भी सिंध है। अगूणे सदर आसिफ जरदारी जो खानगढ़ में जलसे के खिताब। आसिफ जरदारी समुंड में सजे मुल्क जो पानी अचे तो उन पानी के रोके इस्तेमाल कर सकजे तो। समुंड में अरबे डॉलर्स कमाए सकजन था। पाकिस्तान मुआशी तौर कमजोर थी रो है। सदाई मुल्क की बेहतरी की गाल कई है। इन्हें लगे तो इन में असो को फायदो है। मैं सोचता हूँ कि आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज दूं, दोस्तों को मैसेज दूं, दुश्मनों को मुखालिफों को मैसेज दूं। सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इससे नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इससे नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक की जरूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की जरूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर तो कोई भी आके वो पावर यूजर्प करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। हमारे पास आए हुए इतने अफगान भाई के हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। बड़े मसले हैं ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है, तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है।